फाइनेंस में आऊंगी, तो जब से रुपए क्रेडिट कार्ड टू यूपीआई लिंक, यानी कि अपने जो भी रुपए क्रेडिट कार्ड आपके पास होंगे उसको यूपीआई से लिंक करके आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आप बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं आसानी से। जब से इस तरह से खबर आई है आरबीआई की तरफ से, रुपए एनपीसीआई की तरफ से, तो यहाँ पे इसका डिमांड ही बढ़ गया है। तो ऐसे में हम जो है आसानी से अपने यूपीआई के थ्रू ही हम किसी भी मर्चेंट को क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ चार्ज कितना लगेगा अगर हम डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स को बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो कितना चार्ज लगेगा, तो इसके बारे में कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल है। आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि रुपए क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले हमें किन किन चीज़ों का यहाँ ध्यान देना है। तो पहला तो यहाँ आपका रुपए जो क्रेडिट कार्ड है, क्या ये लाइफ टाइम फ्री है, क्या इसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ रहा है या नहीं। अगर चार्जेस दे रहे हैं तो आपको जो है रुपए क्रेडिट कार्ड से कितना एनुअल स्पेंड करेंगे, तो ये इसका चार्जेस जो है एनुअल चार्जेस वेव अप होता है। दूसरी चीज़, कार्ड का रिवार्ड सिस्टम या कैश बैक सिस्टम कैसा है, वो चीज़ आपको यहाँ देखना है। तीसरी चीज़, जो बैंक ऑफर यानी कि बैंक की तरफ से जो 5% या 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है, क्या हमें रुपए क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा है या नहीं। चौथी चीज़, आपको यहाँ वीज़ा या आपका मास्टर कार्ड है, हम कैसे इसको रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पांचवी चीज़, यहाँ पे आपको जो भी रुपए क्रेडिट कार्ड है, क्या हम इसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, या तो फिर रुपए एनपीसीआई का कस्टमर केयर सर्विस किस तरह से। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर वन में हम यहाँ बात करते हैं लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड की। तो IDBI बैंक की ओर से LIC रुपए क्रेडिट कार्ड है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री दिया जाता है। आज के डेट में यहाँ बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आपको यहाँ क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री आपको मिल सकता है। यहाँ बेसिकली तीन क्रेडिट कार्ड अभी फिलहाल जो है ऑफर चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के, लाइफ टाइम फ्री आपको मिल सकता है। यहाँ बेसिकली जो बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट और प्रीमियर क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है। तो इजी और प्रीमियर क्रेडिट कार्ड तो आपको रुपए के प्लेटफॉर्म में जरूर आपको मिल सकता है। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा लाइफ टाइम फ्री वाला ऑफर है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो ये ऑफर कब खत्म हो जाएगा हम कह नहीं सकते। तो अगर पहले से आपके पास वीज़ा का क्रेडिट कार्ड है या मास्टर कार्ड है आपका जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो इन कार्ड्स को आप रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान स्टेप्स है, आपको यहाँ पे जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आपका ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होता है बैंक का, जो क्रेडिट कार्ड का ऑफिशियल ईमेल आईडी, उस पर आपको मेल सेंड कर देना है कि आप जो है इस कार्ड को, आपका ये वीजा या मास्टर कार्ड है, तो इसको आप रुपए क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब जस्ट आपको ऐसा मेल सेंड कर देना, तो आपको इजीली यहाँ रुपए का क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से रुपए का जो क्रेडिट कार्ड है, स्पेशल रुपए क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल जाता है, इसी प्रकार से IRCTC रुपए क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलता ही है। अब हम बात कर लेते हैं HDFC रुपए क्रेडिट कार्ड की। तो HDFC में रुपए IOCL, मनी बैक और रिगालिया में आपको जो है रुपए के प्लेटफॉर्म में आपको HDFC का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी आपको देखने को मिल सकता है। ये हालांकि लाइफ टाइम फ्री तो नहीं मिलता है, इसके लिए कार्ड इश्यू के विद इन 90 डेज आपको कुछ सर्टन अमाउंट यहाँ स्पेंडिंग करना होता है आपके HDFC के क्रेडिट कार्ड से। तो इट इज़ ईजी टू डू द कार्ड लाइफ टाइम फ्री, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। SBI कार्ड की यहाँ बात करेंगे तो SBI की तरफ से सिंपली सेफ रुपए क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, रुपए के प्लेटफॉर्म में IRCTC रुपए क्रेडिट कार्ड मिलेगा, BPCL रुपए क्रेडिट कार्ड जो कि फ्यूल का क्रेडिट कार्ड है। तो इसके साथ ही और भी बहुत सारे आपको SBI में रुपए के प्लेटफॉर्म में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। हालांकि SBI कार्ड की यहाँ बात करेंगे तो कोई भी यहाँ SBI कार्ड में लाइफ टाइम फ्री तो आपको कार्ड नहीं मिलता है। यहाँ आपको फेडरल बैंक की यहाँ बात किया जाए तो फेडरल बैंक की तरफ से भी आपको रुपए के प्लेटफॉर्म में आपको रुपए क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अब रही बात रुपए क्रेडिट कार्ड से 10% इंस्टेंट डिस्काउंट की, तो स्टार्टिंग में हो सकता है जो नए रुपए क्रेडिट कार्ड है, हो सकता है आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ ना मिले, यानी कि आपका जो नया रुपए क्रेडिट कार्ड है हो सकता है यहाँ वर्क ना करे 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट जो बैंक ऑफर होता है। तो इसके लिए आसान है, आसान तरीका है, आप जो है आपको मर्चेंट और कार्ड इश्यूर से यानी कि बैंक तरफ से दोनों ओर से आपको यहाँ हो सकता है बात करना पड़े। अब रही बात इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की, तो रुपए क्रेडिट कार्ड भी आप जो है इंटरनेशनली इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही आप रुपए क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अब रही बात रुपए NPCI की कस्टमर केयर सर्विस की, तो यहाँ बात करें तो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ रुपए क्रेडिट कार्ड ही इशू कर रही है। तो रुपए क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हो सकता है आपको जो है अच्छी सर्विस यहाँ ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे सारे पब्लिक सेक्टर यहाँ बैंक होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आपको जो भी आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, रुपए क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है इसको रिजॉल्व होने में कुछ लंबा टाइम आपको लग सकता है, तो कुछ टाइम का आपको यहाँ वेट करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपका जो है रुपए क्रेडिट कार्ड की ओर से बहुत ही ख़राब सर्विस मिलेगी। तो रुपए डेबिट कार्ड की यहाँ बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा हमें सर्विसेज देखने को मिल रहा है रुपए डेबिट कार्ड की ओर से। अभी सारे बैंक रुपए डेबिट कार्ड ही यहाँ इशू कर रहे हैं,
तो अगर आपके पास पहले से कोई वीज़ा या मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो अगर आप चाह रहे हैं उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो आसानी से इजीली कर सकते हैं। एक प्रकार से आप रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, आपका कार्ड है वीज़ा या मास्टर कार्ड है, आप उसको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रुपए का जो भी ऑफर्स होगा आपको आसानी से यहाँ मिलेगा। अब रही बात की, अब मान लेते हैं कि आपका जो वीज़ा या मास्टर कार्ड है लाइफ टाइम फ्री था, तो अगर आप उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये लाइफ टाइम फ्री होगा? तो इसके लिए आपको पहले से आपको सोच समझ के यहाँ पहले से कस्टमर केयर से यहाँ बात करके ही आप इसको कन्वर्ट कराएंगे। ऐसा ना हो कि रुपए में कन्वर्ट होने के बाद आपका कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री ना रहे। आपका क्या कहना है रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में, नीचे कॉमेंट आप जरूर बता सकते हैं। आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड आपको अच्छा लगता है, वो भी आप कॉमेंट में नीचे जरूर बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।